संग्राम सिंह उस दिन तेरे हाथ जोड़ रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन माफ कर दीजिए भैया, गलतियां सब इंसान से होती हैं। जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने वैसा सिंह साला मर गया। अरे सर सिपाहियों, तो गजब हो गया। इसकी लाश को सील करो, गाड़ी में रखो, पोस्टमार्टम। साहेब, काल रात से चिरैया बोलत रही, हम ना जाना कि इनके मौत ही है। हाँ, नहीं निकाले के हेलीकॉप्टर पर बैठा के कहूं लेके चले जाए। लाश को सील करो, गाड़ी में रखो, पोस्टमार्टम के भेजो। उज्जर वाला कफन ले आए, उनका कफनिया दफनिया के सील करके काना साहब के गाड़ी में डाल। अबे गाड़ी, तुम बता रहे सारे गाड़ी में? नहीं, वही वही जो उन खड़ी है पीछे। जल्दी करो, जल्दी करो। अली प्रसाद, इस वक्त डाकुओं को घेर लो। क्यों नहीं सर? गोलियों से छालों को छल्ली करो। चलो सर। मैं कहता हूं मेरा पीछा छोड़ दो, वरना इतनी गोली सीने में डालूंगा कि साले गिनने वाले बेहोश हो जाएंगे। आओ वापस चले जाओ।
अगर कोई डाकू आएगा तो ये बोल देना कि एसपी राणा हम ही हैं। नहीं तो ठीक है बता रहे हो है? पहले मरे पिलार हमारे बन जाए। हाँ इंस्पेक्टर राणा एक आंख का काना। आप लोग डाकू हैं? वो देखो सामने पुलिस। जाओ राणा को लेकर के आओ। बोल रहे 17 को नहीं आएंगे, क्यों नहीं आओगे? एक बिजली क्या पैसा तुमको कम मिलता है? राणा रुक जाओ। ओए राणा इधर मेरी बात सुन। सामने आओ। सच कहा है? साले को बाई तरफ दिखता नहीं, उधर चल दाहिनी तरफ। कहना है जब ठोकर लग जाती है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं। पोजीशन डाउन। हेलो राणा, क्या बताओ? 6 साल बेवजह बेगुनाह मुझे सांपों के पीछे सजा दी। क्या बताओ कितनी रिश्वत ली थी तुमने? संभव अवकाश बोलो। तुम मेरे पास सुनो। सुनाओ। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गंवार हो। जिस वक्त आशा ठाकुराज का खून हुआ तो तुम्हारे हाथ में औजार था या नहीं, तुम बताओ? था, लेकिन फिर भी उसका कोई इंसाफ था। कौन सा इंसाफ था? इंसाफ ये था हाँ? उसमें फिंगरप्रिंट जो होती है पुलिस साबुत होती है, उंगलियों के निशान अगर से देखे जाते तो मेरे भी मिलते और खूनी के भी मिलते। पुलिस साबुत मांगती, तुम्हारे हाथों में साबुत था, वहाँ पे कौन था? इसलिए मैंने अरेस्ट किया। एक मैं ये पूछता हूँ ज्यादा ले।
निकले, बस आगे कदम बढ़ाना नहीं। अरे चौकीदार, ये क्या हुआ? अरे ये तो सर है। सर ना ही है, वही कंचोदन है, वही। इन्हें क्या हो गया? मर गए। इन्हें किसने मारा है? ये गए लुंड भुंड हो गए। अरे किसने मारा है? इनका वही डाकू बिजली। डाकू बिजली? हाँ। और धाकर से। ठीक है, बिजली अभी दूर नहीं गई होगी, चलो हम लोग उसके पीछे लगते हैं। अरे साहब, बिजली का पीछा ना करो, इसलिए कि पुलिस मारी जा रही है। आप चलते हो कि नहीं? चलो हमारे साथ। भान है तो अगर जय दिन सार सड़ी गुली ने तय दिन मने काना आंखी देखी है, खाना पई है ना, एका ले जा रहे ना अयोध्या। अब अयोध्या में एहन हुए का सारे का डार के चैला खोप कस के आकी आंखी में दो तीन चैला खोस दिए कि सार वही में बरी जाए, जिंदगी भर के काम खत्म हो जाए। इंस्पेक्टर हरिप्रसाद, तुम हमारे दल का पीछा करोगे? तो जिस तरीके से उस इंस्पेक्टर काना को मारा है, हम कहते हैं ठहर जाओ। ये ले, ये ले, ये ले। तूने मेरे भाई दाकासी को बहुत रस्ता किया। ठहर जाओ, हरामजादा गोली का निशाना बनोगे। हरामजादा मैं कहता हूँ मेरे रास्ते का खबरदार, कदम भी मैं मेरा दर्द हर बहाना नहीं। मैं कहती हूँ पिछले रुक जाओ पिछले मेरे रास्ते का कदम मत करो, पिछले मारे जाओगे अपने आप को कानून के हवाले, वरना गोली का निशाना बनोगी। हम कहते हैं रुक जाओ, वरना गोली का चिंता नहीं छोड़ूंगा, जैसे मेरी बहन इस तरह से तड़प तड़प के करा रही है, अगर तुझे उसी तरह से सारे तड़पा तड़पा के ना मारा मेरा नाम ना खसी मेरे। मैं कहती ठहर जाओ वरना गोलियों का निशाना बनोगी। आज एक डाकू मेरे हाथ से बच गया,
मैं उसका पीछा। हराम जाते, तूने मेरी बहन को गोली मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल चल मेरा साथ, देख देख मेरी बहन किस तरह से तेरा कातिल तेरे सामने, आज तुझे किसी तरह से चिंता नहीं छोड़ूंगा। बैठ बैठ, देख देख मेरी बार किस तरह से तड़प रही, देख देख चादे, देख तूने मेरी बहन बहन को चार से मार दिया, ले अपना इनाम हराम। देखो क्या बात है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बहन के खून को मारने जा रहा हूं। जा भैया संभो, तुम अपनी बहन का बदला नहीं बल्कि तुम अपना ही खून करना चाहते हो भैया। अपना खून? मैं इतना बेवकूफ नहीं जो अपना खून करूं। ये मेरी बहन का कातिल है, ये दूसरा कोई नहीं है भैया, ये रामकली बहन का बेटा है, इसका नाम हरि प्रसाद। क्या मेरा भांजा? हाँ हाँ आपका भांजा है भैया। भाई भाई देख देख, तुझे मानने वाला कोई और नहीं भाई, तेरा खुद खुद का बेटा, तेरा खुद हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद देख भाई, क्या कहा भैया, मेरा बेटा हरि प्रसाद भैया, मुझे खुशी है भैया, क्योंकि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथ हुई है भैया, इसलिए भैया मेरे बेटे को मेरे पास लाओ भैया। माँ 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 बेटा मेरे लाल, मैं तो जा रही हूँ मेरे लाल, लेकिन ये एक बात याद रखना बेटा, मैं तुम्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकी बेटा, लेकिन मेरे लाल अपने मामा को एक बार नहीं मामा कहना बेटा, दो बार मामा कहकर पुकारना, ताकि तुम्हें माँ का प्यार मिलता रहे बेटा। मैं तो जा रही हूँ मेरे लाल। नहीं नहीं माँ, या भगवान, मैं कितने बदनसीब बेटे हूँ जो आज अपनी माँ का खून अपने हाथों से कर दिया। मामा रामकली, ए रामकली, रामकली बहन, ए बहन क्या हुआ तुझे? रामकली रामकली ना, इतनी जल्दी मुलाकात होने के बाद मेरा मेरा साथ छोड़ दोगी? मुझे विश्वास नहीं था बहन, मुझे विश्वास नहीं था। एक बार नफरत की दुनिया को छोड़ कर खुश रहे नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस जीदी नगरी को छोड़ के नाता
राजा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार ओ खुश रहे ना मेरे जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते के तारे आज जानवर की जान आज इंसानों ने ली है खुश रहना मेरे यार हेलो ये आगे खत्म हुआ है ऐ सबको खुशी मिली है जिस मन को गम हुआ ऐ सबको खुशी मिली है जिस मन को गम हुआ है हमारे संगीत यहीं पे खत्म होती है अब आइए आप लोग एक दो गाना सुनिए उसके बाद में पार्टी का कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए देवी हरोहानु मान महाप्रभु जो कुछ संकट होवे हमारे काले संकट मोरे गरीबों को जो तुमसे नहीं जाती है तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज हेलो ये आगे लल्लन भैया आप सड़वा के रहने वाले हैं ये 500 की नोट से 400 रुपया मेला कमेटी को दिए हैं पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद जय 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 हनुमान कृपा करो राम लखन भाई Yeah.
51 रुपया घर मेला कमेटी को दिए हैं पार्टी को।